नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। अब देश में गड़बड़ घोटालों के ऊपर मोदी सरकार का चाबुक चलना शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर में बहुचर्चित पॉलीपेक्स कंपनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग काशीपुर के TDS में गड़बड़ी की आशंका के चलते TDS का सर्वे किया। वहीं आपको बताते चले कि सर्वे के दौरान खामियां सामने आने पर अधिकारियों ने कागजातों को कब्जे में ले लिया, साथ ही कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। TDS का वेरिफिकेशन था जिसके लिए हम लोग इस फैक्ट्री में आए हुए थे, प्रेमाइसेस में। यहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे गए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हम ले जा रहे हैं, इनको हमने नोटिस दे दी है। बाकी चीज़ें अब जो इवेल्युएट करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स को, फिर देखते हैं कि इसमें कितनी कमियाँ निकलती हैं। इसकी जानकारी हफ्ते दिन बाद ही हो पाएगी जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट कर लेंगे। धन्यवाद। काशीपुर नगर निगम परिषद के क्लीन एंड ग्रीन ग्रुप ने आज अध्यक्ष पार्षद संघ अनीता कंबोज को ज्ञापन देते हुए 110 फीट तिरंगे लगवाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि काशीपुर में लंबे समय से राष्ट्रीय ध्वज लगवाने की मांग उजागर हो रही थी, जिसके चलते आज ज्ञापन देते हुए कहा कि पंत पार्क में जल्द राष्ट्रीय ध्वज लगवाने के लिए पार्षदों के बीच प्रस्ताव रखकर उसको पास कराया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि काशीपुर में शीघ्र ही राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा जिससे काशीपुर की शान में चार चांद लग जाएगी। चाहूँगी कि मेरे 1239 में ही ये भट्टागर सर हैं और उनके अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मेरे को पंत पार्क में राष्ट्रध्वज के लिए तिरंगे के लिए मुझे ज्ञापन दिया गया है। और मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके अध्यक्ष में मेरे अध्यक्ष की बोर्ड में हम प्रस्ताव ये रखेंगे कि बोर्ड में प्रस्ताव रखने के बाद ये पास होए और राष्ट्रध्वज हमारे काशीपुर में लगे। 100-110 नहीं, मैं चाहूँगी कि 210 का झंडा लगे हमारे काशीपुर में। ग्रीन ग्रुप है काशीपुर का जो हरियाली को लेकर के, सफाई को लेकर के जागरूकता अभियान चलाता रहता है, उसी में हमने एक 110 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए आज समस्त पार्षदगण, उनके अध्यक्ष और महापौर को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि हम हमारे काशीपुर में एक राष्ट्रीय ध्वज लग सके। और हमें आश्वासन दिया है मेयर साहिबा ने और पार्षद संघ की अध्यक्ष श्रीमती अनिता कांबोज जी ने, अनिल जी ने और समस्त पार्षदगण ने कि हम इसको बोर्ड में प्रस्ताव में रखेंगे और बहुत जल्द झंडा, राष्ट्रीय झंडा आपके काशीपुर में लग जाएगा। पीएम मोदी समेत लोकसभा के 36 सांसदों ने ही तय समय से अपने और अपने आश्रितों का संपत्ति दावितीय वितरण लोकसभा सचिवालय में दे दिया है। RTI के तहत मिली जानकारी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 503 सांसदों ने 10 दिसंबर 2019 तक अपनी संपत्ति दावितीय वितरण नहीं दिया है। अभी तक देने का प्रावधान है लोकसभा सांसदों को, अपने शपथ ग्रहण से 90 दिन के अंदर अपना संपत्ति विवरण लोकसभा सचिवालय में देना होता है। ये इसलिए प्रावधान किया गया है कि वो पारदर्शिता रहे। हमारे सारे सांसद, सारी पार्टियां पारदर्शिता की बात करती हैं, भ्रष्टाचार नियंत्रण की बात करती हैं, लेकिन भ्रष्ट जो है ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती हैं, लेकिन जो है धरातल पर जो है इनके दावे बिल्कुल खोखले साबित होते हैं, क्योंकि खुद ये जनप्रतिनिधि अपना संपत्ति विवरण नहीं दे रहे हैं। हमने जब सूचना मांगी लोकसभा सचिवालय से तो पता ही चला 36 सांसदों ने केवल दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का तो नाम शामिल है लेकिन उनके मंत्रिमंडल के विभिन्न जो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं उनका नाम शामिल।